हाँ दादू भाई, ये बोल रहा था मैं कि 10 नवंबर को रिलीज हो या 13 को रिलीज हो, इन लोगों को कभी भी पटी हुई है कि कब रिलीज करना है, ठीक है, ध्यान रखना हम लोग, क्योंकि भाई किसी भी हिसाब से वो फिल्म को सीधा रिलीज करना है हम लोग का, यहाँ ट्विटर पे वही ओपिनियन दिलाना है हम लोग को, ठीक है। ठीक भाई, आज क्या तारीख हुआ, 8 तारीख, कल 9 है, 9 से एक हफ्ता बचेगा बस हम लोगों को बजाने के लिए, ठीक है, सिर्फ उसी को ही बजाना है अभी एक महीने तक, अभी टंकी वाला सलाह भी नहीं करना है हम लोग का, मेन टारगेट वही सलोगन। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपने अभी ये वीडियो देखा और सुना, ये एसआरके के कुत्ते फैन है, इन्होंने इसमें बोला है कि टाइगर 3 को जो है वो 10 को रिलीज होगी या 13 को, ये जो है ट्विटर पे चलाएंगे और पहले से दिखा देंगे ट्विटर पर। तो इन कुत्तों को मैं बता दूं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है बेटा कि तुम ये काम कर सको, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात एक बता दे, तुम्हारी मेंटालिटी क्या है, तुम कितने घटिया इंसान हो, ये तुम प्रूफ कर चुके हो, तुम बार बार ये प्रूफ करते हो तुम उच्च क्वालिटी के कमीने इंसान हो, ठीक है। तुम्हारी औकात तो है नहीं थिएटर में देखने की, तुम सब यही करते आए हो हमेशा, शाहरुख खान की फिल्म के लिए भी तुम लोग यही करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद के पैसे नहीं होते कि 10 रुपया 5 रुपया तुम जोड़ते हो, तो तुम कहां से जाओगे थिएटर में 200-300 रुपए का टिकट लेके फिल्म देखने के लिए। जितने लोग 10-15-20 लोग इस कुत्ते में बैठे हैं, एसआरके फैन ग्रुप बना के जो बैठे हुए हैं, कि एक नंबर कुत्ते इंसान को मैं बता दूं, ये वायरएफ की फिल्म है, छोटी मोटी फिल्म नहीं है, तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा बास डालेगी ना, मुंह से निकाल लेगी, जितना वो बजट बनाया है ना वो सारा बजट तुमसे ही वसूल लेगी घर नीलाम करवा कर, हल्के में लिए हो। एक चीज मैं बताता हूं यहां पे सलमान खान के फैंस को, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी सीन, छोटी से छोटी सीन, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, या कहीं पे आपको लीक होती हुई दिखाई दे, उसके खिलाफ आप फौरन कंप्लेन करो, तुरंत उसके नाम पे कंप्लेन करो, और मैं वायरएफ तक ये वीडियो पहुंचाओ। वायरएफ को मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं से ये चीजें हो तो उसका चैनल नहीं बंद करवाओ, आईपी एड्रेस इनका पता करके ना इनके ऊपर वो केस ठोको कि जितनी भी फिल्म का बजट हो ना इनका घर बेच के इनको देना पड़े, ताकि ये एक मिसाल बने, ये गलत काम करने के सारे सपने में ना सोचे, चवन्नी छाप इंसान है ये भूल जाए ये सब हरकत करना। वीडियो में ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं टंकी और सलार, तो बात की बात है, पहले सलोडियन, अबे स्कार्कियन तेरी माँ की आंख, सुन मेरी बात, सलोडियन की बात जो कर रहा है ना तू, टाइगर से तेरी और तेरे जितने भी तुच्छे फैन है ना सबकी फट के किनारे हो गई, सबको पता है कि टाइगर क्या बवाल है, क्या धमाका है, क्या वो, अब तू देख डंकी के साथ क्या होने वाला है, तू अब देख। अभी तक तेरे लोग को ना मैं अवॉइड करवा रहा था और लोगों से बोल रहा था यार ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तू जैसे घटिया लोगों के लिए ना देख डंकी में क्या होता है। टाइगर तो पार हो गया, टाइगर को किसी का बाप नहीं रोक सकता ब्लॉकबस्टर होने से, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूं खुला, टाइगर याद रखना सबका बाप होगी, 2023 की सबसे बड़ी फिल्म अगर कोई होगी वो होगी टाइगर 3, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। 16 तारीख को ट्रेलर आने दे, उसके बाद इसका क्रेज जो अभी चल रहा है ना उसके बाद देख क्या बाप लेवल का क्रेज बनता है इसका, अभी देख तू खाली, अभी तेरी तुम लोग की सोच सोच के फट रही है ना कि टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, उसके खिलाफ कितनी निगेटिव बात बोल दे, कितना गलत बोल दे उसके खिलाफ, ये हो जाए वो हो जाए, सबकी वाट लगाने आ रहा भाई जान अपना। सलमान भाई आने से तुम लोग की पिछवाड़ा पूरा हिल गया है, तुम लोग भूल गए कि बाप बाप ही होगा, सलमान खान के पीछे आगे ना तुम्हारा कोई स्टार टिकने वाला नहीं है। और ये चीज मैं सोच भी रहा था यार, मैं ये दहशत टाइगर 3 की जो दहशत है ना तुम लोगों के आंखों में देखना चाह रहा था, और देख के मुझे बहुत मजा आती है ये सब चीजें, कि तुम लोग हिल गए हो इतना कि सिर्फ एक टाइगर का मैसेज आया है, अभी ट्रेलर आएगा फिर उसके बाद फिल्म आएगी, और तुमको पता है कि सबका जितना रिकॉर्ड बना है तुम सबको पता है सबका रिकॉर्ड की मां बहन करने के लिए टाइगर 3 आ रही है, वो साल की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी, 2000 करोड़ माने नथिंग जीरो, भाईजान इज बैक, टाइगर इज बैक, और बॉक्स ऑफिस रॉक, मतलब जितना भी थिएटर में आप देख रहे हो ना इस वक्त खाली होगा ना, वो सारे थिएटर के बाहर एक ही बोर्ड लगा होगा हाउसफुल का, लोगों को पता होगा अंदर टाइगर दहाड़ रहा है, ये क्रेजनेस फिर से देखने को हमको मिलेगी, और 100% इसी वजह से जो ये कुत्ते हैं भौंक रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता इनका आने वाला कल बहुत ही खराब होने वाला है, जो तुम सलमान के खिलाफ कर रहे हो ना, सलमान के फैंस अगर पीछे लगे ना तो कटोरा लेके भीख मांगोगे, भीख भी नसीब नहीं होगी, याद रखना प्रभास जीतेगा और तुम थाम के बैठ जाओगे, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को इतना पहुंचाओ कि वायरफ तक ये बात पहुंचे और इन लोग पिछवाड़े में डाले यार, इतना वीडियो को शेयर करो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, ओके, सी यू अगेन।